दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनावों तहत पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सुल्तानपुर लोधी में श्रोमणी अकाली दल की उम्मीदवार उपिंदरजीत कौर के हक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नवजोत सिद्धू द्वारा उनके परिवार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान पर भी तंज कसे। पहले उनका और पेश था, अब कोई और पेश। जब उनका पहला पेश था तो मुझे कहते थे बादल तो देवता है, बादल बड़ा नेक इंसान है। अब उस तरह का, क्योंकि वो एक्टर हैं, जो रोल उनको दे देते हैं वही कर देते हैं, वो अपना वजूद। देखो, अब जो लोग पंजाब के लोगों ने वोट देनी है, इन सबको पता है कि हमें किस चीज से फैला है। आपको भी पता है, लोगों को भी पता है, तो फैसला जो करना है उन्होंने वही। भैया, मैं ऐसे किसी पर मैं सिट है ले ना ले, लोगों को पता है, सबको पता है, लेकिन मेरी आदत और है, मैं ना किसी को ब्लेम करता हूँ। मैं तो पॉलिटिकल लड़ाई और पंजाब की लड़ाई और देश के लिए लड़ाई है, सारी जिंदगी लड़ते रहे हैं। शक एमरजेंसी की लड़ाई हो, पंजाब के खिलाफ वैसे के पानी की लड़ाई, मैं मनुखता, मैं तो ये नहीं भी कि होगी किसी का कत्ल हो गया, बड़ा दुख है, बेगुनाह का कत्ल हो गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जालंधर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए रैली प्रचार करने आए। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार को खूब कोसा और लोगों से पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार लाने की अपील की। तो अगर टैक्स कम होना होता तो 60% कम होना चाहिए था इलेक्शन, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले साल जब हमने टिम्बर का टैक्स कम किया 12.5% हमारा टैक्स कलेक्शन टिम्बर सेक्टर से 1% बढ़ गया, और पिछले साल के कलेक्शन। आप लोग वोट दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वोट देना डिसाइड कर चुके हैं, तभी यहां तक आए हैं, छोटी बात नहीं। लेकिन 12-13 दिन में आपको मल्टीप्लाई होना है। जहां कोई किसी का मन इधर उधर भटक रहा है उसको कन्विंस करना है, लोगों को यही कहना है, ये झाड़ू महत्वपूर्ण नहीं है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल डॉक्टर साहब महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि पंजाब के सरकारी स्कूल ठीक करने की नहीं करने करने तो ना कांग्रेस कर सकती, ना ये अकाली कर सकते, तो आम आदमी पार्टी वाले कर सकते। हॉस्पिटल ठीक करने की नहीं करने करने तो ये आम आदमी पार्टी वाले कर सकते हैं, कांग्रेस तो लूट सकती है, अकाली दल वाले भी लूट ही सकते हैं, दोनों को देख रखा है। फिरोजपुर में आप प्रधान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलती हुई बागी कार्यकर्ता अमनदीप कौर ने कहा कि केजरीवाल पंजाब में किसानों के कंधे पर सवार होकर सिर्फ पैसे इकट्ठे करने आया है। आम आदमी पार्टी की एक्स कोऑर्डिनेटर रही हूँ, मेरा विरोध इसलिए है कि आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल है वो महाजूटा आदमी है। स्पेशल की मैं एक महिला होने के नाते सारी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इसने अपने मैनिफेस्टो में 13 लाख कैमरों का प्रॉमिस करा था महिला सुरक्षा के लिए, और कमांडो फोर्स का इसने कहा था, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई एक भी सिंगल कैमरा लगा है, ना कोई कमांडो फोर्स आई है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के साथ जितने भी अत्याचार हैं वो इसकी पार्टी में ही सबसे ज़्यादा हुए हैं। तो सबसे बड़ा तो किसानों की बात करता है ये केजरीवाल, लेकिन किसानों के हित में नहीं है। एक मेरा भाई जिसके पास 2 एकड़ जमीन थी या नहीं थी, वो इसकी रैली में आता है, खुदकुशी कर लेता है, ये बंदा स्पीच बंद नहीं करता। किसी भी किसान को इसने टिकट नहीं दी, किसी भी मजदूर को इसने टिकट नहीं दी, ये पैसा इकट्ठा करना है, और सबसे झूठा आदमी है, इसको पंजाब से जल्दी यहाँ से भगा देना चाहिए, वही हमारा हिस्सा। जालंधर में आपसे बागी कार्यकर्ता हिमांशु पाठक द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी और पार्टी प्रधान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए गए। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल चोर है के नारे लगाए। को खड़ा करने का मेंबर, इसको यहां तक पहुंचाने पे जितनी टीमों का रोल हुआ है, आज हम सारे के सारे रिजाइन दे रहे हैं। पार्टी ठगों की है, 400 BC की है, सारी चीज और प्रूफ आप लोगों को दे दिए हैं, आप लोग इसको दिखाओ या जो भी करो, बाकी सोशल मीडिया पे भी दिखाए जा रहे हैं। टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनली पार्टी चल रही है, पार्टी जो संविधान चुनाव आयोग में दिया है, चुनाव आयोग को भी चीट कर रही है। चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे कि इस पार्टी पे कार्रवाई की जाए, झाड़ू सिंबल पे और आम आदमी पार्टी पे। जो संविधान में सिस्टम लिखा हुआ है वो फॉलो नहीं हो रहा। केजरीवाल साहब के हैरेसमेंट करने वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कैरेक्टर करप्शन और सारे के सारे जिस तरह के लोग हैं उनको टिकट दी हुई है।
जालंधर पंजाब चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रचार करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह कल यानी रविवार को जालंधर आ रहे हैं। ये रैली जालंधर कैंट से सुबह 11 बजे शुरू होगी। कैप्टन यहां परगट सिंह के साथ जालंधर कैंट हलके का दौरा करेंगे और पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात करेंगे। हलका मजीठा में अकाली दल को तब बड़ा झटका लगा जब सीनियर अकाली नेता और वर्कर परिवार सहित कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसका तर्क उन्होंने अकाली दल की मारू नीतियां और नशे का कारोबार बताया। इस अवसर पर कांग्रेस के उम्मीदवार सुखजिंदर राज मजीठिया ने कहा कि लोग जागरूक हो चुके हैं, अब वो अकाली दल के बहकावे में नहीं आएंगे। नगर मान दे विच आए सी और बहुत बड़ी गिनती दे विच नौजवान वर्ग, विशेष जिहड़ी गल मैं मजीठे दे बारे कहनी चाहुंदा कि मजीठे दा समुच्चा नौजवान वर्ग जिहड़ा वो इंडियन नैशनल कांग्रेस दे नाल आया, और बावजूद इस दे कि आम आदमी पार्टी दे क्लेम करन दे भी मजीठा इक अजिहा हलका जिथे समुच्चा जिहड़ा नौजवान वर्ग है वो साडे नाल आया और उन्हां सारिआं ने साडे नाल जिहड़ा इंडियन नैशनल कांग्रेस जॉइन कीती आ। इहनां तों इलावा बोड़ेवाल कंग तों वी मेरे वीर कोट हिरदे राम तों वी वड्डी गिनती च आए ने जिहड़े अगले दिनां दे विच इंडियन नैशनल कांग्रेस जॉइन करनगे। जिद्दण तो इलैक्शन शुरू होया इन्ना वड्डे पद्धर ते जिहड़ी आ लोकां च तब्दीली आ और इंडियन नैशनल कांग्रेस जॉइन कर रहे ने, मैनूं लगदा कि अखीर च बिक्रम सिंह जिहड़ा कल्ला ही रह जाणा, इहदे नाल कोई नहीं रह जाणा, क्योंकि इन्हें गुरु घर दे नाल धोखा कीता, इन्हें किसानी नाल, इन्हें गरीबां नाल, इन्हें हर वर्ग दे नाल धोखा कीता। पटियाला देहाती से कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रह्म मोहिंद्रा ने चुनाव प्रचार करते हुए अकाली दल के ब्लॉक समिति मेंबर सुखचैन सिंह को कांग्रेस में शामिल किया। ये थी अब तक की मुख्य चुनावी खबरें। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।